तो आज हम बात करेंगे आपके ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स लाते रहता हूँ, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो शेफ इन्फो से रिलेटेड हो। तो काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे Q&A के थ्रू। तो कुछ क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं। इससे पहले वाला Q&A आया था जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया था, और आज अगला Q&A मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें होप आपका अच्छा रिस्पॉन्स दोबारा से आएगा। तो इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं इससे पहले कि लंबा हो जाए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ शेफ इन अ क्रूज शिप। तो शेफ की जो सैलरी है वो कितनी होती है क्रूज शिप में, मैं आपको बता दूं। मेरे काफी सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि वेटर में हैं, शेफ एंड बी सर्विस में हैं, प्रोडक्शन में हैं, तो काफी सारे दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं शिप में और काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। सारे शिप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई से याद आया, हाउ टू अप्लाई फॉर क्रूज शिप, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए शेफ इन्फो में, और वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां पर मैंने काफी सारे लिंक भी दिए हैं, और आज मैं आपको बहुत सारे लिंक देने वाला हूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट वेट, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। तो काफी सारे शिप्स हैं, जैसे कि आपका रॉयल कैरिबियन हो गया, अजमारा हो गया, नॉर्वेजियन शिप्स हो गया, सेलिब्रिटी क्रूज शिप हो गया, या कार्निवल शिप हो गया। तो ये काफी सारे क्रूज शिप हैं जिनके बारे में होप आपने सुना होगा, और जहां आप अप्लाई कर सकते हैं बाय ऑनलाइन और बाय एजेंट के थ्रू। तो मेरा एक दोस्त है जो कि काफी क्लोज है मेरे से, और वो काफी लंबे टाइम से क्रूज शिप में काम कर रहा है। मेरे हिसाब से वो वहां पर प्राइम लाइफ जी रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्री टू कंट्री वो हर दिन जाता है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि हम एब्रॉड जाएं, वहां वो हर दिन एब्रॉड जा रहा होता है। तो कभी किसी कंट्री में होता है, कभी किसी कंट्री में होता है, वहां पर स्टे ओवर होता है, आप थोड़ा बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, कुछ घंटों का कुछ टाइम का वहां पर ब्रेक होता है, वहां पर आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो एक तरह से। तो हर तरह का कल्चर आप देख सकते हो, हर तरह का आप एटमॉस्फेयर देख सकते हो, और काफी चीजें आपको वहां पर एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। तो उसकी जो लाइफ चल रही है ना, वो प्राइम लाइफ चल रही है। उसने जब स्टार्टिंग करी थी अपनी क्रूज लाइन में, कह रही जो स्टार्ट किया था, तो उसकी सैलरी थी $1,000, और उसके बाद अभी उसकी पोजीशन अच्छी खासी हो गई है, और अभी उसकी सैलरी ऑलमोस्ट $2,000 तक हो चुकी है। तो एज अ शेफ $2,000 मुझे लगता है कि काफी ठीक है, बजट ठीक है। और आप भी अगर क्रूज में जाएंगे तो आपकी भी सैलरी जो है डॉलर में आप कमा सकते हैं, और अच्छी खासी सैलरी आप वहां पर अर्न कर सकते हैं। फाइनेंशियली मैं उसको देखूं तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके, वो सिक्योर हो चुके हैं एक तरह से, फाइनेंशियली सिक्योर हो चुका है लाइफ से, क्योंकि अच्छी खासी इनकम वहां पर वो जनरेट कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी वहां पर वो अर्न कर रहा है। बट वो बात अलग है कि जो आपके 3 से 5 साल का जो आप उसका काम होता है, आपका जो कैरियर होता है वहां पर शिप में, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 साल तक ही कर पाते हैं, और उसके बाद वो वहां से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर मतलब वो क्रूज लाइन छोड़ देते हैं और वो आ जाते हैं लैंड पर। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रूज शिप में लाइफ टाइम तक या काफी सालों तक वहां पर जॉब करते हैं, क्योंकि वहां का जो काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है कंपेयर करेंगे लैंड से। तो यहाँ पर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपकी काफी अच्छी खासी हो जाती है। अगर आप शुरू में, अगर आप एज अ फ्रेशर तो नहीं बोलेंगे, बट आप एक एंट्री लेवल पे अगर जा रहे हैं तो आपकी $1,000 तक आप कमा सकते हैं आराम से। और उसके बाद डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके हार्ड वर्क पे, वो $1,500, उसके बाद $2,000, उसके बाद $2,500 भी हो सकती है, $2,500 भी आपकी वहां तक सैलरी जो है पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन है, डू क्रूज शिप्स हैव ऑनबोर्ड शेफ। क्या क्रूज शिप में शेफ्स होते हैं? हाँ, वहाँ पे काफी सारे शेफ्स होते हैं, जैसे कि आपका हेड शेफ हो गया जो कि कहलाता है शिप ऑफिसर। उसके अंडर में काफी सारे असिस्टेंट होते हैं, काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि आपका रोटी सायर हो गया, आपका बेकरी शेफ हो गया, आपका पेस्ट्री शेफ हो गया, आपका सू शेफ हो गया, एटसेट्रा। तो बहुत तरह के शेफ्स होते हैं जो कि उसके अंडर में काम करते हैं, हेड शेफ के अंडर में काम करते हैं, और उनके भी अंडर में काम करते हैं कुक्स। तो काफी सारे कुक्स जो होते हैं, जो कि कॉमीज लेवल के होते हैं, उनको कुक कहा जाता है वहां पर। तो काफी सारे कुक होते हैं जो कि उनके भी अंडर में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कई तरह के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, स्पेशल एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको एशियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, थाई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, या अलग अलग तरह के आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो उनके लिए स्पेशली वहीं के ही शेफ लाए जाते हैं। सपोज आपके पास चाइनीज कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आपको चाइनीज शेफ मिलेंगे, अगर आपके पास थाई का कोई रेस्टोरेंट है तो पर्टिकुलर वहाँ पे आपको थाई के ही शेफ मिलेंगे। सेम एशियन का अगर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पर आपको एशियन कंट्रीज के ही शेफ्स अवेलेबल होंगे। आपको मैं बता दूं कि डिपेंड करता है क्रूज छोटा है, बड़ा है, कितना क्राउडेड है, डिपेंड करता है। अगर ठीक ठाक क्रूज है तो आप डेली के वहां पर 20,000 to 30,000 मील्स सर्व करते हो पर डे। हर दिन 20,000 से 30,000 तक का मील आप सर्व करते हो गेस्ट को। तो आप लगा सकते हो वहां पर कितना क्राउड होता होगा, कितना बिजी होता होगा। तो सेम आप इसी से लगा लो कि वहां पर कितना हार्डवर्क की जरूरत पड़ती होगी। अगला क्वेश्चन है कि शिप में, क्रूज शिप में वेटर की सैलरी कितनी होती है।
तो मैं आपको बता दूं कि वेटर की सैलरी ज्यादा नहीं होती है, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक थोड़ी कम होती है, मतलब $1,000 से $1,500 तक आप कमा सकते हो। एज अ फ्रेशर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस ही बंदों को लिया जाता है, आपको एंट्री लेवल बोल सकते हैं। जो एंट्री लेवल के जो वेटर होते हैं वो उनकी सैलरी काफी कम होती है, $1,000 से $1,500 के बीच में उनकी सैलरी होती है, बट उनका जो कंपनसेशन होता है मतलब उनको जो टिप दी जाती है वो डबल हो जाती है। जितनी आपकी सैलरी है, सपोज आपकी $1,000 सैलरी है तो वहां पर आप टिप कमाते हो $1,000 और, तो कम से कम वो भी तो आपकी $2,000 तो ऐसी हो जाती है। तो वेटर को ये फायदा होता है कि उनकी सैलरी डबल हो जाती है क्योंकि उनको टिप इतनी मिलती है, बट उनका काम शेफ से भी ज्यादा हार्ड वर्क का होता है क्योंकि उनको इधर से उधर चलना पड़ता है, इधर से उधर गेस्ट को चेक करना पड़ता है, गेस्ट का जो भी उनका काम होता है, गेस्ट को सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, उनको कन्वेंस करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, और पूरे दिन भर ये लगे रहते हैं तब जाके उनको इतनी टिप मिलती है। तो टिप तो जरूर मिलती है मगर उतना ही हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो सैलरी की बात करी जाए वेटर की, तो सैलरी वैसे तो कम होती है बट आप टिप से आप बहुत सारा कमा सकते हैं वहां पर, अगर आप एज अ वेटर वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी और टिप को हटा दिया जाए तो वेटर को और भी काफी सारी फैसिलिटी होती है, जैसे उनको रूम दिया जाता है शिप में, उसके अलावा उनको बोर्डिंग की फैसिलिटी होती है, मतलब जब वो वैकेशन जाते हैं तो उनको टिकट दिया जाता है, अप डाउन टिकट दिया जाता है, उसके अलावा उनको जो है पेड सैलरी दी जाती है, जितने भी दिन की छुट्टी जाते हैं लगभग 3 महीने की छुट्टी उनको मिलती है, 90 डेज की छुट्टी मिलती है, वो सारी की सारी उनको पेड दी जाती है। और उसके अलावा अगर उनको एज अ ट्रैवलर शिप में घूमना हो या अपनी फैमिली को लाना हो तो अच्छा खासा डिस्काउंट उनको दिया जाता है। काफी सारी अलग अलग फैसिलिटी है जो कि एक वेटर को या दूसरे एम्प्लॉयज को दी जाती है। ओवरऑल बात की जाए तो एक वेटर का जो जॉब होती है बहुत चैलेंजिंग होती है, बट सेम टाइम पे वो रिवार्डेबल भी होती है क्योंकि आप अलग अलग कंट्री में घूम रहे हो, अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हो, निकल रहे हो, वहाँ उतर रहे हो और वहाँ जाके घूम रहे हो, अच्छा खासा आप ना वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो या एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये अलग एक एज अ रिवार्ड आप ले सकते हो कि एक एम्प्लॉय के तौर पर अगर आप काम कर रहे हो क्रूज में तो ये सारी फैसिलिटी, छोटी छोटी फैसिलिटी भी आप गिन सकते हो। सैलरी थोड़ा सा कम होती है बट काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं क्रूज लाइन में। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको फिजिकली और लॉन्ग आवर तक काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिकली वर्क आपको बहुत ज्यादा हो जाता है क्रूज में कंपेयर करें लैंड से, मतलब आप अगर आप रेस्टोरेंट में होटल में आप कर रहे हो लैंड पे कर रहे हो तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्रूज में बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क है और लॉन्ग आवर तक काम करना ही पड़ता है। भले आपको उसका एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है मगर आपको वहां पर, ये नहीं कि लैंड की तरह आप बोल रहे हो कि वहां पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है 9 घंटे की ड्यूटी, वहां पर 12-14 घंटे की ड्यूटी बहुत नॉर्मल होती है। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं या आपका पैशन है क्रूज में जॉब करना तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए क्योंकि वहां पर लोग लंबे टाइम तक इसीलिए काम नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल या 5 साल तक ही काम कर पाते हैं, बट 3 से 5 साल के बीच में वो इतना कमा लेते हैं कि उसके बाद वो आराम से अपना छोटा मोटा जॉब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5-स्टार होटल में आपको करना है या बहुत दूर जाने की जरूरत है, आपको इतनी आप इनकम कर सकते हो कि उसके बाद एक नॉर्मल जॉब भी आप कर सकते हो। साथ साथ वेटर की सैलरी सिर्फ इन्हीं बातों से नहीं देखी जाती, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्रूज में आप जा रहे हैं, कितना बड़ा साइज है उसका। काफी सारे शिप जो होते हैं वो छोटे साइज में होते हैं, काफी बहुत बड़े होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस साइज वाले शिप में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा आप उसकी साइज एंड लेंथ कितना है और कितने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कितने साल के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में 5-स्टार होटल में अगर आपने काम किया हुआ है तो उसके बेस पे भी आपको सैलरी दी जाती है। तो सैलरी ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपको $1,000 ही मिलनी है या $800 मिलनी है, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया $1,000 से $1,500 तक आप कमा सकते हो, उसके बाद प्लस टिप आपको जो होता है प्लस उसके बाद जो आपको फैसिलिटी दी जाती है, तो ये सारा जो है कुल मिला के आपका अच्छा खासा मतलब इनकम हो जाता है विद फैसिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है बताया था हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑन ए क्रूज शिप, मतलब एक क्रूज शिप में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, सबसे मतलब सैलरी किसकी सबसे ज्यादा होती है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है क्रूज शिप में वो मैनेजमेंट लेवल की होती है या एग्जीक्यूटिव लेवल की होती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, जो हाई पोजीशंस होते हैं उनकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है। तो उनमें आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे क्रूज डायरेक्टर हो गया, होटल मैनेजर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया या आपका कैप्टन हो गया, इनकी सैलरी जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है क्रूज शिप में, हाईएस्ट पेइंग जॉब इनकी होती है। बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी सैलरी इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की इनको जरूरत पड़ती है, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा होता है। सपोज एक लैंड पर एक 5-स्टार होटल है वहां पर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो और सपोज आपका जो एक्सपीरियंस है वो सपोज आप पहले भी 2 बार एग्जीक्यूटिव रह चुके हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रूज में एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहीं पर आपको 2 बार एग्जीक्यूटिव के नहीं, आपको 4-5 बार एग्जीक्यूटिव रहना पड़ेगा तब जाके आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। मीन टू से कि वहां पर जो भी मैनेजमेंट लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल के जो पोजीशंस होती है ना उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा मैं इनकी सैलरी भी आपको बताता हूँ साथ साथ, इनकी सैलरी होती है सालाना
$50,000 से लेके $1,00,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेसल। मतलब डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्रूज में काम कर रहे हैं। बड़ा क्रूज भी हो सकता है, छोटा क्रूज भी हो सकता है। तो $50,000 से लेके $1,00,000 तक सालाना वो कमाते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि उनको कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको उनके लेवल तक पहुंचना है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद पैशन। इनके अलावा बात करी जाए हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑन ए क्रूज शिप, तो और भी है, जैसे कैसीनो डीलर हो गया या बारटेंडर हो गया, तो इनकी भी सैलरी जो है काफी अच्छी होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एज अ वेटर, एज अ शेफ, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो शेफ, कैसे अप्लाई कर सकते हो क्रूज में। तो मैं आपको बता दूं कि क्रूज में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपने होटल में काम किया हो चाहे रेस्टोरेंट में काम किया हो, बट सेम फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी आईटी हो गई, जेटी हो गई या ओडीसी में आप जा रहे हो, हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे होटल मैनेजमेंट में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, या किसी भी तरह के रिलेटेड फील्ड में हो, आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप क्योंकि क्रूज में जा रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो वो किस में बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, या तो दूसरी लैंग्वेज जो कि मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें बात करते हैं। तो आपकी जो इंग्लिश है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ठीक है, अगर आप फ्रंट ऑफ द गेस्ट हैं तो 100% आपको आनी चाहिए, जैसे कि वेटर जो कि फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं, फ्रंट ऑफ द गेस्ट होते हैं, उनको आनी ही चाहिए। बट बैक ऑफ द हाउस जो होते हैं, सपोज शेफ हो गए, हाउसकीपिंग वाले हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आनी चाहिए। जो बैक ऑफ द हाउस है, अगर उनको आती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं वो भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ठीक है, एज अ शेफ अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत कम होंगे जो आप हिंदी बोल रहे होंगे, बहुत कम होंगे जो आपकी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। बट खासकर जो फ्रंट ऑफ द गेस्ट होते हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं, जैसे कि वेटर है, उनको इंग्लिश के साथ साथ फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो उनका माइनस पॉइंट हो जाता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि आप रिजेक्ट हो सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आपको नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आपको फ्लुएंट नहीं आती। अगर आप एज अ शेफ या वेटर अप्लाई कर रहे हैं क्रूज में, तो मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है उनके थ्रू आप दे सकते हैं, जो कि स्पेशलाइज होते हैं क्रूज शिप एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि मतलब क्रूज शिप में भेजते हैं लोगों को। तो स्पेशली वो कुछ कुछ है, बहुत ही कम जगह पर है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसी जगह पर आपको कुछ कुछ मिलेंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने क्रूज शिप पर बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। और अप्लाई करना हो एज अ वेटर या शेफ के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो, ऑनलाइन के थ्रू दे सकते हो, लिंक आपको मैं सारे नीचे दे दूंगा, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अगर सारे लिंक काम के आएंगे आपके जरूर अप्लाई करिए, वहां पर आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह की वैकेंसी के बारे में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और दूसरा तरीका है आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, जो कि स्पेशलाइज होती है क्रूज शिप एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो शिप में एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयर देती है, जो स्पेशलाइज होती है, ऐसी एजेंसी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रिज्यूम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगर सेलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू होगा, उनके थ्रू हो सकता है, या तो आपको वो अपने एड्रेस पे बुला के इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इन द लास्ट आपका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं या दे रहे हो वो सही है या फ्रॉड है, फेक है या रियल है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद आपका लक होगा तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाओगे और अपना कैरियर इन क्रूज शुरू कर सकते हो। तो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। कोशिश करी मैंने आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की, काफी सारे क्वेश्चन मुझे क्रूज से रिलेटेड आए थे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्रूज से रिलेटेड ही बनाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जितने मेरे को क्रूज से रिलेटेड मिले वो मैंने सेलेक्ट करे और आप लोग के लिए मैं आज आया। तो होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत ही जल्दी करूंगा। अगर आप फटाफट से रिप्लाई चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो कि देसी ब्लॉगर। वैकेंसी से रिलेटेड मैंने एक ग्रुप बनाया है, जो कि मैंने आप में से कई लोगों को दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सारे लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं सेल कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल सेल कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, नीचे मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। तो अगर आपको खरीदनी है, अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है, अगर आपको रेसिपी चाहिए किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो बेकरी से हो, चाहे वो पेस्ट्री से हो, चाहे वो चाइनीज से हो, चाहे वो इंडियन से हो, चाहे कॉन्टिनेंटल से हो, अगर आपको कोई सी बुक चाहिए, रेसिपी बुक चाहिए, तो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे और आप वहाँ पर क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Thank you.